नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिषेक सागर है और आज की वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, और ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो आप सभी ने फेस की है लेकिन एक दूसरे को बताते नहीं हैं और कुछ इसके बारे में चर्चा नहीं होती। देखिए, बात ऐसी है कि मैंने एक अपने फ़ोन में एक ब्राउज़र इंस्टॉल किया, एक नहीं दो किए, तीन ब्राउज़र इंस्टॉल किए गूगल क्रोम के अलावा, और उन तीनों ब्राउज़र में मुझे एक ऐसी चीज़ देखने को मिली जो कि बहुत गलत है और नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब आप कोई थर्ड पार्टी वेब ब्राउज़र इंस्टॉल करते हैं, ऐसा वेब ब्राउज़र अपने फ़ोन में जो कि फ़ोन में पहले से नहीं आता है, आपको पता है फ़ोन में पहले से गूगल क्रोम आता है जो कि बहुत अच्छा ब्राउज़र है, लेकिन कई बार डाउनलोड करने के लिए या फास्ट सर्फ करने के लिए या एक और कोई अकाउंट खोलने के लिए आप दूसरे ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, और आप ऐसे में दूसरे तरह के जो ब्राउज़र्स आते हैं, चाहे वो चाइना के हों या कहीं के भी हों, आप उन्हें इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि आपको इतने अजीब तरीके के एड्स आते हैं। मैंने देखा, मैंने किया, मेरे को किसी को कुछ सर्व करके दिखाना था अपने फ़ोन में, मैंने उसे डाला ब्राउज़र को, और जैसे ही मैं उस ब्राउज़र को खोलता हूँ वो ब्राउज़र लगता ही नहीं है। उसमें 10 तरह के एड्स आ जाते हैं, 10 तरह की न्यूज़ आ जाती है, 10 तरह के पॉपअप आ जाते हैं, सर्च बार आ जाता है। मतलब कोई भी इंसान अगर वेब ब्राउज़र चलाना चाहता है तो ये बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये वेब ब्राउज़र ही डाला है मैंने या कोई एडवर्टीजमेंट पोर्टल डाल लिया है, क्योंकि वहाँ पर ब्राउजिंग के नाम पर सिर्फ एक दो चीज़ है, बाकी सब उन्हीं की चीज़ है। आप अपने फ़ोन को ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, तो सबसे पहले आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में इतने सारे एड्स नज़र आ जाते हैं, अलग अलग तरह के आर्टिकल्स, गंदे गंदे तरह के आर्टिकल्स की, इस एक्ट्रेस का ये देखो, ये देखो, ये हो गया, इसके ये बेटी है इसकी, इस बड़े सेलिब्रिटी की बेटी ने क्या किया, मतलब इस तरह के आर्टिकल्स आ रहे हैं कि अगर आप किसी के सामने वेब ब्राउजिंग करके दिखाना चाहते हैं अपने वेब ब्राउज़र में, तो उसको ऑब्वियसली आपको अपना वेब ब्राउज़र खोलना पड़ेगा। उस तरह की चीज़ें लगेंगी और बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होगा, जो कि अभी मुझे हो रहा है। तो और एक और फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि भारत में जो इंडिया में एंड्रॉयड ऐप्स हैं वो 45% ज़्यादा परमिशंस लेती हैं अपने विदेशी काउंटर पार्ट्स के अगर कंपैरिजन में किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई एप्लीकेशन हम यहाँ इंडिया में चलाते हैं तो वहाँ पर औसतन 5 परमिशन ली जाती हैं सारी एप्लीकेशन की, चाहे वो लोकेशन की हो, कॉल की हो, आपके फाइल की हो, फाइल एक्सेस की हो, तो ये परमिशन ली जाती है। देखने वाली बात ये है कि ज़्यादातर एप्लीकेशन जो परमिशन लेती हैं आपके फ़ोन में, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता। कोई भी वेब ब्राउज़र या कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जिसमें फ़ाइल का कोई एक्सेस नहीं है वो भी फाइल एक्सेस मांग रही है, ऐसा कोई गेम जिसमें कॉल डिटेल्स चेक करने की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है तो वो कॉल डिटेल्स का परमिशन मांग रहा है गेम। अब मुझे नहीं पता वो क्यों मांग रहा है, और आप जानते होंगे कि ये सारी चीज़ें चुरा के फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दी जाती हैं, मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो भारत में 45% ज़्यादा परमिशन मांगी जाती है। वही सेम एप्लीकेशन अगर किसी दूसरे देश में चलती है तो वहाँ पर वो एप्लीकेशन की जो परमिशन है वो नहीं मांगी जाती। वहाँ पर डेटा को लेकर सख्त कानून है और डेटा चुराने वाले लोग बहुत डर के रहते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। भारत में जो भी एप्लीकेशन चल रही हैं वो आपकी एक्स्ट्रा परमिशन मांग रही हैं, और परमिशन मांगने का साफ मतलब यही है कि आपके उस हिस्से से मोबाइल में वो एक्सेस कर सकती हैं, या तो आपकी कॉल हिस्ट्री, या तो आपकी लोकेशन, या तो आपकी फाइल्स। और बाद में ये एडवर्टीजमेंट का सिस्टम तो आप जानते ही हैं, ब्राउज़र तो ब्राउज़र रह ही नहीं गया, वो पूरा एडवर्टीजमेंट पोर्टल बन चुका है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ऐसे ब्राउज़र से दूर रहिए, और आप चेक कीजिए कि कोई भी आप एप्लीकेशन चला रहे हैं तो वो कौन सी परमिशन आपसे मांग रही है इंस्टॉल करते वक्त, और ध्यान दें कि वो परमिशन उस एप्लीकेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसको कॉल की परमिशन नहीं चाहिए तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि उसको कॉल की परमिशन, कॉल एक्सेस की, कॉल मैनेजर की जो भी होती है, कॉल डिटेल्स की परमिशन ना दें। अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन है जिसको फाइल में कोई ज़रूरत नहीं है फाइल एक्सेस करने की, तो उसको फाइल की परमिशन ना दें। किसी एप्लीकेशन को लोकेशन की एक्सेस करनी जरूरत है, उसको लोकेशन ना दें। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप ओला, उबर ऐसी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें लोकेशन का एक्सेस है तो उसमें आपको एक्सेस देना पड़ेगा लोकेशन का। मैंने बोला अननेसेसरी परमिशंस किसी भी एप्लीकेशन को ना दें, सेफ रहें, और इन ब्राउज़र का कुछ करें, इनको बोलें डेवलपर्स को जाके कि भैया हम सिर्फ सर्फिंग करने आते हैं, आपके एडवर्टीजमेंट देखने आपके वेब ब्राउज़र में नहीं आते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ये लोग करते हैं और इनकी पॉलिसीज़ बहुत बिगड़ चुकी हैं। अगर आप कुछ उनको बोलेंगे डेवलपर को तो नो डाउट वो लोग इसमें इंप्रूव करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में आपका इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर 299 रुपीज़ का एक इथिकल हैकिंग कोर्स है। बेसिकली दो इथिकल हैकिंग कोर्स हैं, मनी मेकिंग कोर्स है और मेरे रिलेटेड कुछ सारी चीज़ें हैं जो खजाना मैंने छुपा के रखा हुआ है। तो आप जाइए, उनको लीजिए, सीखिए। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं नई वीडियो जब भी डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।